चैनल आज हम पढ़ेंगे ऑन द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। सो बहुत ही प्यारी नेचर पोएम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी है। सो इसमें उन्होंने ग्रास हॉपर और क्रिकेट के बारे में हमें बताया है। जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट होते हैं वो आपने कभी देखे हैं? वो काफी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। और ग्रास हॉपर जो होता है वो हरे रंग का होता है और हिंदी में इसको टिड्डी कहते हैं। और इसके जो एंटीनास होते हैं काफी शॉर्ट होते हैं। वहीं पर जो हमारा क्रिकेट होता है वो ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का भी हो सकता है, और इसको हिंदी में झिंगुर कहते हैं, और इसकी एंटीनास काफी लंबी होती है। तो जॉन कीट्स ने ग्रास हॉपर और क्रिकेट के बारे में इस पोयम में हमें क्या बताया है? जॉन कीट्स ने इस पोयम में हमें बताया है कि कैसे ग्रास हॉपर और क्रिकेट खूबसूरत से सॉन्ग गाते हैं। ग्रास हॉपर गर्मियों में गाने गाता है, वही क्रिकेट सर्दियों में गाने गाता है। तो पूरी पोयम हम शुरू करते हैं। तो हमारी इस पोयम में जो जॉन कीट्स ने हमें ये बताया है कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक प्रोड्यूस करता है पूरे साल, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और आप कहेंगे अर्थ कैसे नेचर म्यूजिक प्रोड्यूस करता है? अर्थ म्यूजिक इस तरीके से प्रोड्यूस करता है कि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, नदियां हैं, वो सब कोई ना कोई खूबसूरत सी म्यूजिक प्रोड्यूस करती है जिससे हमें बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत म्यूजिक सुनाई देती है। और यही हर एक मौसम का हमें बताती है आने के। जब गर्मियों का मौसम आता है तो चिड़िया चहचहाती हैं, और जब सर्दियों का मौसम आता है तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हमें बाहर आवाज़ हमें सुनाई देती है झिंगुर की। तो उसमें उन्होंने हमें कहानी बतानी शुरू करती है कि जो हमारा अर्थ है वो बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक प्रोड्यूस करता है, और जो गर्मियाँ आती हैं तभी भी, सर्दियाँ आती हैं तभी भी। तो ग्रास हॉपर जो है सिंबल बताया गया है गर्मियों का, कि ग्रास हॉपर सिंबल है गर्मियों का, वही जो क्रिकेट है वो सिंबल है सर्दियों का। तो हमारे पोएट कहते हैं कि हमारा जो औरतें हमेशा म्यूजिक प्रोड्यूस करता रहता है गर्मियों में, सर्दियों में, बरसात में, कुछ भी सीजन हो, प्यारा सा म्यूजिक हमें सुनने के लिए मिलता है। तो गर्मियों में जो क्या होता है, जो सारी चिड़िया होती है वो इतना सारा म्यूजिक गाती है, लेकिन वो थक जाती है क्योंकि इतनी ज्यादा धूप जो होती है, तो इतनी धूप के चक्कर में वो जब थक जाती हैं तो वो जो है पेड़ों के पास आराम करती हैं, पेड़ों की छांव में, पेड़ों की जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उसमें वो जाके पत्तों के नीचे छिप जाती हैं। अब वो गाना तो नहीं गाती, तो फिर नेचर का क्या होता है? नेचर को तो गाने पसंद है ना। नेचर तो पूरे हवा में गाने ही गाने होते हैं म्यूजिक के। जब हम किसी जंगल में जाते हैं, जब किसी गांव में जाते हैं, तो हम देखते हैं, महसूस करते हैं नदी का बहना और चिड़ियों का चहचहाना, और कोई इंसेक्ट भी जो है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इसी तरीके से जो नेचर होता है वो कभी अपने गाने गाना बंद नहीं करता। तो तभी यहाँ पे आते हैं ग्रास हॉपर साहब। जो ग्रास हॉपर है वो एक गार्डन से दूसरे गार्डन में भागते रहते हैं, टहल टहल के वो खूबसूरत सी म्यूजिक बजाते हैं। और जब वो थक जाते हैं हमारे ग्रास हॉपर साहब, हमारे टिड्डी साहब, तो वो क्या करते हैं? वो थक जाते हैं तो वो थोड़े आराम करते हैं किसी पत्तों के नीचे बैठ के। अब जो ग्रास हॉपर है ये पूरा काम करते हैं, पूरी गर्मियों भर वो हमें गाने सुनाते हैं, नेचर के एवरलास्टिंग सॉन्ग सुनाते हैं, और गर्मियों भर वो यही मस्ती मजाक करते हैं, गाने गाते हैं और खुशी से रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हैं। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो चिड़ियाँ फिर ठंडी पड़ जाती हैं क्योंकि इतनी ठंड लगती है बेचारियों को, तो वो अपने घोंसलों में चली जाती हैं क्योंकि बाहर तो इतनी ठंड होती है और पूरी जगह बर्फ जमी होती है और पूरा सन्नाटा भी छाया होता है। लेकिन जो हमारा अर्थ है, जो हमारी मदर अर्थ है, वो कभी भी शांत नहीं होती, कोई ना कोई म्यूजिक हमेशा रहता है। तो इस बार हमारे आते हैं सर्दियों में क्रिकेट साहब, यानी झिंगुर साहब। तो जो झिंगुर है वो गाना शुरू कर देते हैं रातों को, और पूरे सर्दियों में जैसे शाम होती है वो शुरू कर देते हैं अपना गाना गाना। और फिर हमें लगता है कि जब सर्दियों की रातें शुरू होती हैं तो आपने देखा होगा टिर टिर करके या किर किर करके कोई हमें एक इंसेक्ट की आवाज़ सुनाई देती है, और वो झिंगुर साहब होते हैं, क्रिकेट साहब।
तो वो गाने गाते हैं रात को और सर्दियों में दिन भर वो गाने गाते हैं। और जब वो गाना गाते हैं तो वो पेड़ पे बैठ के नहीं गाते, वो गाते हैं पत्थर पे बैठ के। और जो उनके गाने होते हैं झिंगुर साहब के यानी क्रिकेट साहब के, तो वो जो है मौसम तो ठंडा होता है तो वो मौसम में गर्मी लाते हैं। और कोई इंसान जो अपने घर में बैठा हो और सोने की तैयारी हो और उसे नींद आ रही हो, तो जब वो गाना सुनता है हमारे प्यारे से क्रिकेट साहब का, झिंगुर साहब का, तो वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये झिंगुर साहब कहीं दूर किसी खेतों से किसी पहाड़ियों से गाना गा रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे पोएट हैं ये हमें बताते हैं कि जो ग्रास ऊपर है और जो क्रिकेट है, ये दोनों जो छोटे छोटे इंसेक्ट हैं, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं हमारे अर्थ के, नेचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं और हमें खूबसूरत से गाने सुनाते रहते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे इतनी गर्मियाँ हों चाहे इतनी सर्दियाँ हों। तो पोएट ने इनको पर्सोनिफाई कर दिया है, यानी जो ग्रासहॉपर है वो सिंबल बना दिया है गया है गर्मी का, और जो क्रिकेट है वो सिंबल बना दिया गया सर्दियों का, ताकि हम हर मौसम में खूबसूरत से म्यूजिक का और नेचर का हम अनुभव कर सकें। तो ये कहानी हमें, ये पोएम हमें क्या शिक्षा देती है? ये पोएम हमें सिखाती है कि हमें हर पल और हर वक्त, हर मुसीबत में, हर सिचुएशन में खुश रहना है, खुश मिजाज रहना है, आनंद से रहना है। अगर हमारा इस तरह का एटीट्यूड होगा, इस तरह से हम जिंदगी को जिएंगे, हर पल खुश रहेंगे, चाहे हम परेशानी में हों या खुशी में हों, तो हम हर मुसीबत को आसानी से गुजार सकते हैं, हम आसानी से हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। अब हम पोएम भी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, अ वॉइस विल रन from hedge to hedge about the new mown meat, that is the grasshoppers, he takes the lead. In summer luxury, he has never done with his delights, for when tired out with fun, he rests at ease beneath some pleasant weed. The poetry of earth is ceasing never. On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence from the stove there shrills the cricket's song in warmth increasing ever, and seems to one in drowsiness half lost, the grasshoppers among some grassy hills. तो इसमें कुछ difficult words हैं, जैसे कि from hedge to hedge about the new mown meat, यानी जो grasshopper है वो hedge से hedge में जाता है। hedge मतलब होता है बाड़ा, बाड़ा कुछ इस तरीके से जो जैसे gardens होते हैं उसके आसपास जो बाड़ा लगा होता है, तो जो ग्रास ऊपर होता है वो एक गार्डन से दूसरे गार्डन पे जाता है। और न्यू मॉन मीट क्या होता है, न्यू मतलब नया, मॉन मतलब होता है कि जिसको काट दिया गया हो यानी घास जिसकी काट दी गई हो, और मीट मतलब होता है घास का मैदान यानी गार्डन, यानी जो ग्रास ऊपर है वो एक गार्डन से दूसरे गार्डन में जाता है, और वो ऐसा गार्डन है जहाँ पे जिसकी घासें कटी हुई है, बहुत ही फ्रेश गार्डन है। तो जो ग्रास ऊपर होता है, बाकी मैंने पूरा आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको ये स्टोरी, आपको ये प्यारी सी पोएम मैंने अच्छे से समझाई हो। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ढेर सारा शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।